हेलो, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स पढ़े थे कि लूप्स क्या होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आपको इसका गाइड कर देता हूँ कि ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट हम लूप्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अपनी कंडीशंस के ऊपर लूप्स को टर्मिनेट और कंटिन्यू करना होता है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं। लेस देन 40 तक चले, इंक्रीमेंट हो और कंडीशन। अब कंडीशन के बेस पे हम इसको लूप्स को टर्मिनेट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ पहले ब्रेक करना है मुझे इस कंडीशन पर, और मैं आपको बताता हूँ रन किस तरह होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसके अंदर मैंने बताया कि आई अगर 2 के बराबर हो तो ब्रेक हो जाए, यानी यहाँ तक हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, इससे आगे कुछ प्रिंट ना हो। यानी ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 तक आएगा, 0 लेस देन 40 है, ठीक है चलेगा 0। फिर 0 जब 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 40 है, ठीक है चलेगा। जब ये 2 पे आएगा, 2 लेस देन 40 तो है, लेकिन कंडीशन हमारी क्या है कि 2 के बराबर हो जाए तो लूप टर्मिनेट हो जाए, यानी ये प्रिंट ही नहीं करेगा, 2 पे स्टॉप हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं, ये देखें आउटपुट हमारा 0 1, यानी ये 2 की कंडीशन को इसने ब्रेक कर दिया, यानी 2 की जो हमारी कंडीशन थी हमने लूप ब्रेक कर दिया है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देखते हैं। अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दूं, क्या हो गया है, मिस्टेक, हाँ ठीक है कंटिन्यू लिख दूं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट 2 को छोड़ेगी और उसके अलावा जो हमारे 40 तक लूप है उसको कंटिन्यू करेगी, यानी टर्मिनेट नहीं करेगी, हमें इस 2 को स्किप कर जाएगी, यानी इस कंडीशन को हमें कंटिन्यू करना है, यानी इस पे रुकना नहीं है। यानी हमारी कंडीशन 2 के बराबर होना तो 2 को छोड़ के आगे बढ़ जाए। आउटपुट देखते हैं, देखें 0 1 2 3, ऐसे आंसर हमारा जो आउटपुट है वो ऐसे 40 तक चला जाएगा। और इस तरह हमारा जो है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हमारी यूज़ होती हैं, और ये आप हर लूप में यूज़ करते हैं, फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था मैं प्रैक्टिस सेट्स दूंगा आपको लूप्स के, तो अगर डिस्क्रिप्शन पे आप मेरी जाएंगे वहाँ पे एक लिंक मिलेगी जिससे आप मेरे गिटहब पे आ जाएंगे, और गिटहब पे आने के बाद यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स मैंने यहाँ मौजूद हैं, जिसमें अगर आप इस पूरी फाइल को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड जिप फाइल कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहीं पर क्लिक करके लूप्स के पोर्शन में जाकर यहाँ कंप्लीट मैंने कोर्स डाले हुए विद एग्जांपल्स हैं, आप इसको समझ सकते हैं या इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी उसको एक्सेस कर लें और बुकमार्क कर लें। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को समझा। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कंप्लीट डिटेल्स लाइन बाय वाइज ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कंप्लीट सेटअप करना और सारी कंडीशन सारी जो चीज़ें हैं मैंने शेयर करी हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।